हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष टेक गुरु जी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को मैं अपने स्टूडियो पर रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियरिटी का इशू आ सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूनिक इन्फॉर्मेशन है एलईडी टीवी टेक्नीशियंस के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पास एक एलजी की टीवी है जो कि हमारी एलसीडी टीवी है, जिसके अंदर किसी टेक्नीशियन ने यहाँ पर एक यूनिवर्सल मदरबोर्ड को इंस्टॉल करा था। तो यहाँ पे दोस्तों, इस टीवी के अंदर एक फिर से प्रॉब्लम आई है जो कि सेकंड टाइम में आई है। तो सेकंड टाइम में दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम आई है बैकलाइट की। तो यहाँ पे मैंने चेक करा दोस्तों, इसके अंदर अभी भी सीएफएल ट्यूब लगी हुई है जो कि हमारी सीएफएल एलईडी होती है बैकलाइट। तो दोस्तों, यहाँ पर उसका जो इन्वर्टर है आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल इन्वर्टर इस टीवी के अंदर इंस्टॉल है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, ये जो हमारी आईसी है दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो पहले जिस टेक्नीशियन ने इस टीवी को देखा है, उन्होंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का यूज करा था जिससे इसे बाईपास करा है। तो गाइज, यहाँ पे कंडीशन इसकी ये थी कि जब हम इसमें पावर इनपुट करते हैं तो यहाँ पर हमारी टीवी जो है वो ऑन तो होती है, लेकिन बैकलाइट में हमारी नहीं ऑन होती है। यानी कि हमारी डिस्प्ले आ रही है बट बैकलाइट ऑन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसे चेक करा है और इसे पूरी तरीके से डायग्नोस करने के बाद मुझे इसका एक प्रॉब्लम दिखा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारी मेन आईसी है इसके साइड में यहाँ पर एक पीएफ लगा हुआ था। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये जहाँ पे मैंने ये वायर कनेक्ट करा है यहाँ पर एक पीएफ लगा हुआ था दोस्तों, आप देख सकते हो। और इस पीएफ को मैंने रिमूव करा है, आप देख सकते हैं ये रहा वो पीएफ। तो गाइज, यहाँ पे जो आप पीएफ यहाँ पर देख रहे हैं इस ट्रैक पर दोस्तों, जब हम चिमटी से या ऐसे फिंगर से टच करते हैं तो हमारी जो बैकलाइट है वो प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाती है, और अगर हम इसे डायरेक्टली ऑन करने का ट्राई करते हैं तो ये ऑन नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने अभी कोई भी पीएफ नहीं लगाया हुआ है और यहाँ से मैंने सिर्फ एक वायर को कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए, अभी मैं आपको इसकी रियल कंडीशन दिखाता हूँ, इसके बाद मैंने जो मॉडिफिकेशन करा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने पावर कनेक्ट कर दिया है और ये हम इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पावर दे दिया है, अभी यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइट जलेगी, इसके बाद हमारा जो बैकलाइट है वो ऑन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ब्लू कलर की लाइट ऑन हो चुकी है, लेकिन जो हमारी बैक लाइट है वो कहीं पर भी ऑन नहीं हुई है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमारी ब्लू लाइट ऑफ हो चुकी है। अब यहाँ पर एक व्हाइट कलर की एलईडी ऑन होनी चाहिए थी जो कि नहीं हो रही है। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर हम इस वायर को या फिर इस पीसीबी को यहाँ पर टच करते हैं इस पीएफ की ट्रैक पर, तो ये जो बैक लाइट है वो ऑन हो जाएगी और पिक्चर भी हमारी ओके कंडीशन में आ जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर कोई भी पिक्चर नहीं दिख रही है दोस्तों। पिक्चर आ रही है लेकिन बैकलाइट की वजह से आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे टच करता हूँ, आप यहाँ पर फोकस करिएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बैकलाइट ऑन हो गई जैसे ही मैंने यहाँ पर टच करा है। और इसके बाद अगर आप पिक्चर को देखेंगे तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ओके कंडीशन में हमारी जो पिक्चर है वो आ रही है, आप देख सकते हो। तो ऐसा फॉल्ट दोस्तों इस टीवी के अंदर है। तो यहाँ पे मैंने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैंने पावर को डिस्कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने दो रेजिस्टेंस का यूज करा है। 12 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है ये दोस्तों, 12 किलो ओम्स की, और एक यहाँ पर 33 माइक्रोफेरेड 60 वोल्ट का कंडेंसर है। तो दोस्तों, यहाँ पे 33 माइक्रोफेरेड आप यहाँ पर 50 वोल्ट, 100 वोल्ट या फिर 16 वोल्ट का भी कंडेंसर यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये जो हमारा इन्वर्टर का इनपुट है जहाँ पे पावर इनपुट होता है, यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ का पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आपका बीएल ऑन सिग्नल आता है 5 वोल्ट, आप देख सकते हो। तो यहाँ से मैंने 5 वोल्ट इस सर्किट में इनपुट कर दिया है इस रेजिस्टेंस पे। इसके बाद इस पीएफ से जो हमारा आउटपुट हो रहा है, इस टच वाली वायर जहाँ पर हमने टच करने पे हमारी जो बैकलाइट है वो ऑन हो रही थी, उस वायर को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही हम पावर इनपुट करेंगे तो जिस तरीके से हमारी टीवी ऑन होती है, तो दोस्तों सेम उसी तरह से हमारी टीवी ऑन होगी और जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन है मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन और टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए एलईडी टीवी के बारे में या और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे दिख रहे रेड कलर के या ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर करिएगा। और अगर आपको ये टिप और ये जो हमारा मॉडिफिकेशन है ये अच्छा लगता है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं इस वायर को सोल्ड कर देता हूँ, इसके बाद हम इसे ऑन करके फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ।
तो दोस्तों आप सभी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर वायर को कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं, और किस प्रकार से कनेक्शन है आप देख सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से पावर इनपुट करूंगा, तो यहाँ पे मैं पावर केबल को ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये पावर केबल है और इसे मैं इनपुट कर देता हूँ। इसके बाद आप बैक लाइट और यहाँ पर ब्लू लाइट को भी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको लाइट दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइट भी ऑन हो चुकी है और हमारा जो यहाँ पर बैक लाइट है वो ऑन हो चुका है डायरेक्टली। यहाँ पे हमें किसी भी पार्ट को टच नहीं करना पड़ा है। तो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो पिक्चर है वो बिल्कुल A1 क्वालिटी में आ रही है, आप देख सकते हो। तो अगर आपको ये मॉडिफिकेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको ऐसी किसी टिप्स के बारे में और भी जानना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे फ्रेंड्स, जय हिंद।